दिल्ली पुलिस ने आईफोन लूट की एक वारदात का खुलासा किया है। लूटने वाले आरोपियों में से 900 आईफोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीटेल कंपनी का एक ट्रक करीब 1000 आईफोन 5S लेकर जा रहा था। इसी दौरान मौका पाते ही बदमाशों ने ड्राइवर की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे पीछे से दबोचा और चाकू की नोक पर जबरन शमशान घाट ले गए, जहां से बदमाश करीब 950 आईफोन लूटकर फरार हो गए। हालांकि वारदात के 48 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। वारदात में शामिल 5 लोगों में से 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और बाकी की तलाश पुलिस कर रही है। बहरहाल बदमाशों से सभी आईफोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। 2 करोड़ से भी ज्यादा के आईफोन की बरामदगी 48 घंटे में हो गई है, जो पुलिस का एक सराहनीय काम है। देखते रहिए डीबी लाइव।